हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज मैं एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जिसमें क्रेब्स साइकिल की स्ट्रक्चर आपको दिख रही है। इसको समझाने के लिए आपको यूट्यूब पर ऐसे बेहतर कोई वीडियो नहीं मिलेगा। ये है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल ये हैंस एडोल्फ क्रेब्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने इस साइकिल की खोज की थी। ये एक सिट्रिक एसिड साइकिल है जिसे TCA साइकिल भी कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाया जाता है। इस साइकिल में 10 एंजाइमेटिक स्टेप्स होते हैं जो आपको हम समझा रहे हैं, और आप बड़ी आसान तरीके से याद भी कर सकते हैं। अगर ये फॉर्मूले आपको नहीं याद होते हैं तो आप इस जो नेम्स दिए हुए हैं इन्हीं से आप याद कर सकते हैं। यह पाइरूवेट पाइरूवेट जब पाइरूवेट डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स के साथ क्रिया करता है तो एक्टिल एसिटिल कोएंजाइम बनता है, और एसिटिल कोएंजाइम सिट्रेट सिंथेटिक एंजाइम के साथ क्रिया करके सिट्रेट बनाता है। सिट्रेट आगे एक्टिव एकोनिटेज एंजाइम के साथ क्रिया करके सिसएकोनिटेट बनाता है। सिकोएकोनिटेट एकोनिटेज एंजाइम की से क्रिया करके आइसोसिट्रेट बनता है। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के साथ और मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में जब क्रिया करता है तो ऑक्सैलोसक्सीनेट बनता है। ऑक्सैलोसक्सीनेट डिहाइड्रोक्सीलेज डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम के साथ क्रिया करके अल्फा कीटो ग्लूटेरेट बनाता है। अल्फा कीटो ग्लूटेरेट डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स के साथ क्रिया करके सक्सिनिल कोएंजाइम ए बनाता है। सक्सिनिल कोएंजाइम ए सक्सिनिक थायोकाइनेज एंजाइम के साथ क्रिया करके उनकी उपस्थिति में जब क्रिया करता है तो सक्सिनेट एंजाइम बनता है। और सक्सिनेट कैश सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में FADD से FADH2 बनता है जिसमें फ्यूमरेट का निर्माण होता है। इसी तरह फ्यूमरेट फ्यूमरेज की उपस्थिति में क्रिया करता है तो मैलेट बनता है, और मैलेट जो मैलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के साथ क्रिया करता है या की उपस्थिति में क्रिया करता है तो ऑक्सैलो एसीटेट बनता है, और ऑक्सैलो एसीटेट फिर से सिट्रेट सिंथेज के साथ की उपस्थिति में जो क्रिया करता है तो फिर से सिट्रेट बन जाता है, या इधर एसिटेल कोएंजाइम है जो बाद में टूटकर आगे ये नहीं बनता है, ये आगे सिट्रेट हो, और इसी तरह ये क्रिया आगे भी चलती रहती है। ये एक साइकिल है, इसमें 10 एंजाइम्स यानी 10 एंजाइम्स स्टेप्स होते हैं। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।